चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, उर्दू का मॉडल पेपर अपलोड करता हूँ मैं, अच्छी तरह याद कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं इसके अंदर से। देखिए यहाँ पे जेर के पैराग्राफ पढ़िए और दिए गए सवाल के जवाब दीजिए। ये पैराग्राफ पढ़ना है आपको अच्छी तरह, कम्प्लीटली पढ़ लेना है। पढ़ के इसके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए। अबू तालिब अपने भतीजे का किस तरह ख्याल रखते थे, अहले मक्के के अबू, ये आपको अच्छी तरह पढ़ना है। इसके आंसर्स आपको लिख लेना है। 5 क्वेश्चन रहेंगे ये, 5 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे देखिए अशार पढ़िए और दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। ये अशार पढ़ना है कम्प्लीटली। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके जवाब आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जेल में दी गई, देखिए उर्दू के अंदर ऐसा है कि एक दो तीन मॉडल पेपर अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आप तकरीबन आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए जेल में दिए गए नज़म पढ़िए और दिए गए सवाल, फिर नज़म पढ़ना है आपको। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके जवाब आपको लिखना है। यहाँ तक आपके क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपको रीडर में रहेंगे, जेल के सवालों के जवाब रीडर से। देखिए गोपी चंद नारंग ने उर्दू को हिंदुस्तानी जबानों का ताजमहल क्यों कहा है, APJ अब्दुल कलाम के बहन ने इनकी किस तरह मदद की, यहाँ पे कुंदकर मजलिस खुलूद से निकलना है तुझे शायर ने ऐसा क्यों कहा, ये मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के बारे में आप अपने ख्याल जाहिर कीजिए, ये भी याद करना है। ये लॉन्ग तो कम्प्लीटली आपको याद करना है क्योंकि लॉन्ग में कोई चांस नहीं है, चांस ले ये भी मत, ये पूरे तकरीबन याद कीजिए क्योंकि अगर याद करेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए जेल में से किसी एक के बारे में लड़कियों के तहफ़ के अनुमान पर 5 नारे लिखना है, एक है। और उसके बाद यहाँ पे तरोज उर्दू के लिए एक कॉन्फ्रेंस मनक़द की जा रही है, इसके अनुमान पर फ़रोख मादरी जबान उर्दू है इसलिए हिजब जेल नुकात को नज़र रखते हुए एक दावतनामा, मतलब एक इन्विटेशन आपको बनाना है यहाँ पर। तो ये आपका उर्दू पेपर है। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव भी है, देखिए यहाँ पे पार्ट बी, ये पार्ट बी में ओन सेंटेंसेस ले, यहाँ पे शेर व शुक्र करना, ये आपको ओन सेंटेंसेस है, ये पूरे ओन सेंटेंसेस। उसके बाद क्या दिया गया है, एक ग्रामर भी अच्छी तरह आप अपने टीचर्स की मदद से या आप खुद करते हैं तो आराम से कीजिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव भी आपको 20 मार्क्स देने वाला है, ये ऑब्जेक्टिव करके ही जाना आपको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर छोड़ेंगे तो 20 मार्क्स आप मिस हो जाएंगे, इसलिए 20 मार्क्स को जहन में रखते हुए आपको सॉल्व करना है। ये 12th वाला देखिए, क्योंकि मुझको उतना उर्दू का ग्रामर नहीं आता इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, आप कर लीजिए क्योंकि अपने टीचर की मदद से या किसी की मदद से लेके सॉल्व कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे। ट्वेंटी तक ये था माय डियर स्टूडेंट्स उर्दू पेपर, ऑल द बेस्ट।